हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे संकेत शर्मा और आज के दिन बात करने वाले हैं हम आप स्टूडेंट से रिलेटेड काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। और दोस्तों, आज के दिन आप सबको मालूम है कि आपका क्लास 10 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और उस पर भी वीडियो बना चुके हैं कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे और उसमें काफ़ी बड़ा डाउट जो कि निकल कर आ रहा है कि बच्चों का क्या होगा जो फेल हो गए हैं। तो उसके बारे में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं आज के दिन, और भी काफ़ी सारी बातें जो कि आप स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो अभी क्लास 10 से पास आउट हुए हैं वो सब, और जो फेलियर्स हैं जिनका लास्ट ईयर का कोई फेलियर है, कश्मीर डिवीजन का जिनका कोई फेलियर रहता है, वो सब स्टूडेंट्स उन सबसे रिलेटेड आज के दिन बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी फर्दर देरी के लेट्स स्टार्ट। तो हमें एक कमेंट आया था दोस्तों उसी वीडियो पर जो कि हमने अभी सुबह अपलोड की थी आपके क्लास 10th के रिजल्ट को लेकर। तो वहाँ पर कमेंट क्या आ रहा है, काफ़ी सारे इसी टाइप के कमेंट आ रहे थे हमें टेलीग्राम पर भी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। तो वो कमेंट है, सर जो बच्चे क्लास 10th में फेल हुआ है तो पहले सर ना बोली करो यार, भाई बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो, सर ना बोली करो, काफ़ी फॉर्मल लगता है। ओके, क्लास 10th में फेल हुआ है, उनके एग्ज़ाम कब होंगे दोबारा और क्या उनकी नेक्स्ट क्लासेस भी होंगी या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई सर। और दोस्तों, ये जो डाउट है ना, ये यहीं पर नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमारी पहले की वीडियोस पर भी पूछा है सेम डाउट, जो फेलियर्स वगैरह हैं क्लास 10th के, जो बायोएनुअल वाले कैंडिडेट्स हैं वो सब, इसी सेम डाउट्स को काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे हैं। तो उन सब स्टूडेंट्स को ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे जेके बोस की चेयरपर्सन दोस्तों वीना पंडिता जी, आप सबको अभी तक तो मालूम हो गया होगा, तो उन्होंने क्या कहा है कि जितने भी प्राइवेट फेलियर्स या बायोनुअल के स्टूडेंट्स हैं उन सबको टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, खुशखबरी बताने वाला हूँ, ठीक है, कि उन सबको क्लास 11th में एडमिशन मिल जाएगी। यानी कि जो अभी फेल हो गए हैं क्लास 10th में, जो पहले के फेल हैं उन सबको क्लास 11th में एडमिशन मिल जाएगी। पर दोस्तों, इतना खुश भी ना होइए क्योंकि आपके क्लास 10th के जो पेपर होंगे वो तो कंडक्ट होंगे, पर कंडक्ट होंगे देरी से। यानी कि पहले तो बोर्ड का फोकस होगा क्लास 12th के जो पेपर्स रहते हैं उन्हें कंडक्ट करवाने का, फिर क्लास 12th का रिजल्ट निकालने का, उसके बाद क्लास 10th का कुछ सोचेंगे फेलियर्स वालों का। यानी कि सितंबर अक्टूबर, जो कि हमारे जेके बोस ने टेंटेटिव कहा है कि सितंबर या अक्टूबर में आपका जो पेपर हो सकता है, और आपको प्रेपरेशन रखनी है, पेपर की प्रेपरेशन अपनी करते रहिए आराम आराम से, ठीक है। और आपके मन में अगर कोई क्वेरी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह चाहिए आपको, तो कमेंट करिए, आपकी तहे दिल से हेल्प करेंगे हम। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, ठीक है। और यही कहा था कि आप अपनी क्लास 11th की प्रेपरेशन भी रखिए क्योंकि आपको एडमिशन तो मिल जाएगी क्लास 11th में, और आपको अपनी क्लास 10th के जो पेपर आपका कोई फेलियर होगा, बैकलॉग जो भी होगा, उसकी भी प्रेपरेशन अपने साथ जारी रखनी है। तो ये सब था, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों, कोई भी डाउट आता है ना मन में और आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप @everythinglab ज्वाइन करिए। हमें टेलीग्राम पे आप कोई भी कमेंट कर दीजिए, वहाँ पर भी ट्राई करते हैं रिप्लाई करने का। मेनली आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको आपके हर जो भी आपने डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पर, तो उसे आप ज्वाइन करिए, वहाँ पर जो भी आपके मन की क्वेरी होगी उसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई आपकी स्टडी से रिलेटेड या और भी कोई क्वेरी हो तो वहाँ पर आपकी हर क्वेरी को सॉल्व किया जाता है, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही यूजफुल इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेट्स एंड इट।